कमलनाथ सरकार के गुंडागर्दी करने वाले विधायक और मंत्रियों के रिश्तेदारों पर पुलिस ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। दतिया में एसडीएम का मोबाइल छीनने वाले विधायक रक्षा देवी के पति संतराम और उनके साथियों पर पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज कर लिया है। गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। पिछले 7 दिनों से कांग्रेस के नेता और उनके शुभचिंतकों ने कमलनाथ सरकार का नाम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी दी, लेकिन अब इंदौर की एफआईआर के बाद दतिया में भी पुलिस ने विधायक पति संतराम, सिरोनिया कांग्रेस नेता जीतू दांगी, अजय शुक्ला के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और धमकी देने का मामला दर्ज किया है। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने एसडीएम जेपी गुप्ता के ऑफिस में घुसकर उनके साथ बदसलूकी की थी। यह सारा मामला जिस वक्त हुआ तब कार्यालय में कामकाज चल रहा था। पुलिस ने एक दिन बाद भोपाल से मिले आदेश पर यह मामला दर्ज कर लिया है। घटना के संबंध में मैं इसका शॉर्ट बताना चाहूँगा। कल मैं जैसे कलेक्ट्रेट के लिए आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक ट्रैक्टर गिट्टी का परवन करते हुए देखा। मैंने ट्रैक्टर को रोक करके उसके ड्राइवर से रॉयल्टी मांग की तो उसके द्वारा मोबाइल पर रॉयल्टी दिखाई। उसको मैंने स्पॉट पर ही चेक किया गया तो वो 1 घन मीटर की रॉयल्टी थी, जबकि प्रथम दृष्टया उसमें लगभग 4 घन मीटर गिट्टी पत्थर भरा हुआ था। इस कारण मैंने उसको रोक करके कलेक्ट्रेट में ला करके जब्त करके रखा गया। माइनिंग के अधिकारियों से उसकी जाँच कराई जा रही थी और मैं अपने चैम्बर में आ गया। इसी दौरान विधायक पति श्री संतराम सिरोनिया मेरे चैम्बर में कुछ लोगों को लेकर के आए, जिन लोगों को मेरे द्वारा नाम दिए गए, ज्ञापन में भी दिए, एफआईआर में भी है, 7-8 लोगों को लेकर के आए, मेरे से बदतमीजी की। और इस बदतमीजी का मेरे द्वारा जब वीडियो बनाया जा रहा था, इस दौरान इनके द्वारा मेरा मोबाइल छीन लिया और मोबाइल को कुछ देर बाद किसी डर के कारण या एफआईआर के डर के कारण कलेक्टर साहब के कक्ष में छोड़ के चले गए। और उसके पश्चात जो ट्रैक्टर मेरे द्वारा जब्त किया गया था उस ट्रैक्टर को उठा करके ये बलपूर्वक ले गए। ट्रैक्टर की तरह उसमें कोई स्टोन क्रेशर है, रुक्मणी देवी स्टोन क्रेशर के नाम से दर्ज है। हमारी मांग ये है कि दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। जो लूट करके ले गए ट्रैक्टर को, मोबाइल को, उनके विरुद्ध लूट की धारा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाए और जिले के समस्त अधिकारियों को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाए। 3 मांगे हैं। कल के घटनाक्रम जो अनुभागीय दंडाधिकारी दतिया के साथ हुआ है उससे समस्त शासकीय कर्मचारी संघ संगठन और जिले में जो काम कर रहे हैं शासकीय कर्मचारी अधिकारी उस घटनाक्रम से काफ़ी क्षुब्ध और आहत हुए और उसकी घोर निंदा करते हुए उन्होंने मांग की है कि इस प्रकार की घटनाओं की आगे पुनरावृत्ति ना हो और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की यदि कोई अधिकारी नियमानुसार अपना कार्य संपादित कर रहा है किसी व्यक्ति की दबाव धमकी या इन सब से वो दबाव में ना आके नियमानुसार नियम संगत कार्रवाई कर सके, उस वजह से ये ज्ञापन सभी संयुक्त मोर्चे के अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर आज कलेक्टर महोदय को दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगों पर अवश्य विचार होगा और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। यदि कार्रवाई अभी क्रमिक प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन का अभी मोर्चे के साथ बैठ के तय किया जाएगा और अभी इसमें समय दिया है कार्रवाई के लिए, यदि उनकी मांग पूर्ति नहीं होती तो आगामी रणनीति संयुक्त मोर्चा तय करेगी। दतिया से इंडिया फर्स्ट न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।